अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पीलीभीत के बीसलपुर प्राथमिक विद्यालय डुक्सी में महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को डायट प्रवक्ता स्मिता लोधी ने जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, हर क्षेत्र में बेटियां अब अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटा भाग्य से होता है और बेटियां घर में सौभाग्य से जन्म लेती हैं। इस दौरान उन्होंने मिशन शक्ति के बारे में बालिकाओं और महिलाओं को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि स्वयं आगे आएं और यदि आपको कोई अनजाने में परेशान करता है तो सरकार के द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर आरोपी की शिकायत करें। इस दौरान आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक भी की गई। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में विद्यालय में शिक्षा के स्तर को कैसे और बेहतर किया जाए, इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक सुरजीत सिंह ने अभिभावकों से अनुरोध किया कि बच्चों को सुबह 9 बजे ही विद्यालय में भेज दें, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में मिलती है। ग्रामीणों से निवेदन है कि अपने बच्चों को सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे प्राइमरी स्कूल में ही भेजें, ताकि वो बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल कर सकें। पीलीभीत से मीडिया हलचल के लिए आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट।